नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं कि पंच प्राण क्या है, पंच प्राण की स्थिति और शरीर में प्राण कहाँ रहता है। संसार के सारे जीवों का जीवन चक्र एवं जीवन का निर्वाह विश्वव्यापी जैविक शक्ति यानी कि प्राण पर निर्भर है। वैज्ञानिक इसे वाइटल फोर्स वायोकॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। इस प्राण को मानव शरीर में विभिन्न कोष्ठकों में विभिन्न कार्य करने के कारण इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन्हें पांच प्रकार के प्राणों का नाम दिया गया है। ये पांच हैं उदान प्राण, समान, अपान और व्यान। उदान, यह स्वरयंत्र यानी कि लेरिंग्स से सिर तक के भाग का नियंत्रण करता है। यह हमारी इंद्रियों को स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर के इस शिरोदेश के सिफेलिक पोर्शन के स्वैच्छिक स्नायु संस्थान द्वारा स्वतः नियंत्रित होने वाले सब कार्य इसी प्राण शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। प्राण, यह स्वरयंत्र से लेकर हृदय के क्षेत्र तक के सारे स्थान का नियंत्रण करता है। यह वाणी को शक्ति प्रदान करता है। आमाशय से ऊपर की भोजन नली इसोफेगस श्वसन संस्थान व उससे संबंधित शारीरिक संरचनाएं सब इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह स्वैच्छिक स्नायु संस्थान के ग्रीवा वाले अंश के अंतर्गत है। समान, यह हृदय चक्र से लेकर नाभि तक के क्षेत्र का नियंत्रण करता है। वास्तव में यह चयापचय मेटाबॉलिज्म से संबंधित अंगों पर नियंत्रण करता है और इस तरह से जीवन का धारक है। जैसे आमाशय के पाचक रस, यकृत, अग्न्याशय एवं अंत्रनिया, रक्त संचारण हृदय में एवं धमनियों व शिराओं में। यह स्वैच्छिक स्नायु संस्थान के वक्षीय भाग अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा आशिक तंत्रिकाओं स्पलैंकनिक नर्व्स के माध्यम से नियंत्रण करता है, जो कि अनुकंपी वक्षीय गंडिकाओं से निकलती हैं। अपान, यह नाभि से नीचे के अंगों पर नियंत्रण करता है। इस तरह यह वृक्क वृहद आंत्र मलाशय मूत्राशय जननेंद्रियों पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार से उत्सर्जन संस्थान एक्सक्रीटरी सिस्टम पर नियंत्रण करता है। यह स्वैच्छिक स्नायु संस्थान के कटिपर्क अंश भाग के द्वारा नियंत्रण करता है। व्यान, यह प्राण पूरे शरीर पर एक साथ नियंत्रण करता है और पूरे शरीर में व्याप्त है। यह ऐच्छिक मांसपेशियों के कार्य पर नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक मांसपेशियों पर भी नियंत्रण करता है। यह हड्डियों के संधि स्थानों का भी नियंत्रण करता है। यह मानव को सीधा खड़ा करने के लिए स्थिरता प्रदान करता है। यह स्वैच्छिक स्नायु संस्थान की गंडिकाओं पर भी आधारित है। उदान प्राण, इन सारे कार्यों पर जो कि अनुकंपी स्नायु संस्थान के द्वारा उत्तेजित किए जाते हैं और अपचय कैटाबॉलिज्म का कारण बनते हैं, किंतु शक्तियों के द्वारा प्रतिवर्त चाप रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। ये शक्तियाँ परानुकंपी स्नायु संस्थान के माध्यम से शरीर को तथा उसके कार्यरत अंगों को उपचय एनाबॉलिज्म के लिए प्रेरित करती हैं। जब इस स्वचालित व्यवस्था में विक्षोभ डिस्टरबेंस आ जाता है, तब प्रतिवर्त के उच्च केंद्रों तक सूचना पहुंचती है, जो मस्तिष्क में और भी उच्च केंद्रों को सूचित करता है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम तो संवेदों को ग्रहण भी करता है और प्रेरक आज्ञाएं भी भेजता है, परंतु सबसे उच्च केंद्र प्रमस्तिष्क सेरिब्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले दो उपकेंद्र हैं। एक तो चेतक थैलेमस और दूसरा कार्पस स्ट्रिएटम। चेतक यानी कि थैलेमस तो संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाला उपकेंद्र है, जबकि कॉर्पस स्ट्रिएटम प्रेरक क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला उपकेंद्र है, परंतु प्रेरक केंद्रों पर बलपूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, जिसके लिए साधक को आत्मसंयम तथा यम नियम का पालन करने से काफी सहायता मिलती है। परंतु साधक को चेतक थैलेमस पर नियंत्रण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अवचेतन मन पूरे जोर पर उछलता रहता है और वासनाओं एवं अनचाही इच्छाओं को जन्म देता रहता है। चेतक थैलेमस सारे संवेदों को ग्रहण करने का स्थान है। यह प्राण ऊपर की ओर गमन करने वाला है, कंठ में रहने वाला और सिर तक गमन करने वाला है। मृत्यु के समय इसी के सहारे सूक्ष्म शरीर का गमन होता है। जब योगी उक्त उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर धुनी हुई रुई की भांति अत्यंत हल्का हो जाता है। अत पानी या कीचड़ पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते,
कांटे आदि भी उसके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण काल में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र द्वारा निकलते हैं। इस कारण ऐसे योगी की शुक्ल मार्ग से गति होती है। उपनिषदों में भी ऊर्ध्वक्ति का वर्णन आया है। प्राण यह मेड्युला ऑब्लांगेटा में स्थित प्रतिवर्त केंद्र है। यह शरीर के अंदर से व बाहर से सारे संवेदों को ग्रहण करता है और अनुकंपी स्नायु तंत्र पर नियंत्रण करता है। यह श्वसन व हृदय के केंद्रों पर नियंत्रण करता है, क्योंकि सबसे दूरस्थ भाग इसके कार्य क्षेत्र का हृदय में सबसे नीचे के सिरे का है, जिसे एपेक्स ऑफ दी हार्ट भी कहते हैं। यह कंठ से लेकर हृदय तक के इस सिरे तक के भाग का नियंत्रण करता है। समान प्राण यह पाचन संस्थान की उत्तेजनात्मक स्थिति पर नियंत्रण करता है और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करता है। अपान प्राण यह उत्सर्जन तंत्र पर कार्य करता है। इसका काम अवरोधनी संवरणी स्फिक्टर्स पर नियंत्रण ढीला करके उत्सर्जन से संबंधित मांसपेशियों का संकुचन कराना होता है। ज्ञान प्राण यह अनुमस्तिष्क को जाने वाले संवेदों पर नियंत्रण करता है, ताकि मनुष्य स्थिर खड़ा रह सके और गतिशीलता में शरीर का संतुलन बना रह सके। तो दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक व सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।